वेलकम टू लेक टेल्स। ये कहानी अरबों साल पहले की है, जब इंसान पहली बार धरती पे आया तो उनके साथ ड्वार्फ्स भी आए। इंसान और ड्वार्फ्स में सिर्फ दो अंतर थे। जहाँ इंसान छोटे से बड़ा होता है, ड्वार्फ्स छोटे के छोटे ही रहते हैं। और दूसरा अंतर यह था कि जहाँ इंसान धरती पर रहते थे, वो ऊपर, बहुत ऊपर आसमान में बादलों में रहते थे। उनकी दुनिया छुपी हुई थी और बहुत खूबसूरत थी। ड्वार्फ्स को धरती के फल बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो जब भी आते, इंसान उन्हें मीठे मीठे फल देते। गर्मियों का मौसम आते ही दोनों मिलजुल कर फल तोड़ते। वे फलों को अपने साथ ले जाते ताकि सब मिलजुल कर फलों का मजा ले। ड्वार्फ्स और इंसान इसी तरह मिलजुल कर बहुत खुश रहते थे। जैसे टाइम बीतता गया, इंसान मतलबी होने लग गया। ड्वार्फ्स को आम बहुत पसंद थे। गर्मियों में वह आम ज़रूर लेने आते, लेकिन इंसान हमेशा अच्छे अच्छे आम अलग करके खुद के लिए रखता और बाकी उन्हें दे देता। धरती से फल आते देख ड्वार्फ्स को अलग ही खुशी मिलती थी। लेकिन अब फल पहले जैसे नहीं आते थे। कभी गंदे आम निकल जाते तो कभी अच्छे भी निकल जाते थे। ज़्यादातर आम अब गंदे ही होते थे। इंसान तो मतलब ही हो चुका था, लेकिन ड्वार्फ्स अभी भी उनकी मदद करते। जब भी बारिश आती, वह उनकी फसलों को पानी देने में मदद करते। बड़े बड़े पेड़ों से फल तोड़ने में मदद करते। गौरी नाम की लड़की उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। वह बहुत काम करती थी, वह उसकी भी मदद करते। गौरी अनाथ गरीब लड़की थी, जो ज़मींदार के आमों के खेत में काम करती थी। बाकी लोग ड्वार्फ्स को गंदे गंदे फल देते, लेकिन गौरी चुपके से अच्छे अच्छे फल तोड़कर रखती। उसे पता था कि उन्हें आम बहुत पसंद है। जैसे ही वो आते, वह ड्वार्फ्स को चुपके से अच्छे अच्छे मीठे आम दे देती। एक बार ज़मींदार को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह ड्वार्फ्स के साथ आसमान में घूम रहा है। सामने पक्षी उड़ते देखे। ऊपर से धरती बहुत सुंदर लग रही थी। जैसे ही उसकी आँख खुली, उसके दिमाग में एक ख्याल आया। जब अगली बार ड्वार्फ्स फल लेने आए, तो ज़मींदार कुछ लोगों को इकट्ठा कर खड़ा हो गया। उसने बोला, आज तो तुम ये फल ले जाओ, लेकिन अगर तुम्हें अच्छे फल चाहिए तो तुम्हें हमें भी ऊपर ले जाना होगा। हमें भी देखना है कि ऊपर से धरती कैसे दिखती है। गौरी को पता था कि वह फल गंदे हैं। वह दौड़ते हुए गई और अच्छे वाले फल चुपके से उनको दे दिए। ज़मींदार ने बोला कि मुझे पता था कि तुम मेरे खेतों से फल चोरी करके उनको देती हो। आज के बाद तुम्हें खेतों में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। ड्वार्फ्स हमेशा की तरह ऊपर फल लेकर गए, लेकिन इस बार वह बहुत दुखी थे। उन्होंने जैसे ही फल खाना चालू किया तो देखा कि इस बार सारे आम खराब थे। सभी में कीड़े लगे हुए थे। सब बहुत गुस्से में थे। सारे ड्वार्फ्स इकट्ठा हुए और धरती पर जो भी कुछ हुआ उन्होंने सबको बताया। उन्होंने यह तय किया कि आज के बाद धरती पे कोई नहीं जाएगा। नीचे का जो भी सामान है सब लौटा दिया जाएगा। धरती की कोई भी चीज़ ऊपर नहीं रहनी चाहिए। वह ऊपर से धरती को ज़रूर देखते रहते। एक बार उन्होंने देखा कि ज़मींदार इतनी अंधेरी रात में खुदाई कर रहा था। वह मिट्टी में सोने से भरा खड़ा छुपा रहा था।
गौरी से मिले नहीं, लेकिन चुपके से उसे सोने का घड़ा दे गए। टाइम बीतता चला गया, ड्वार्फ्स कभी भी नीचे नहीं आए। इंसान के घर धीरे धीरे बड़े, उससे बड़े और बड़े होते चले गए और उसका दिल और छोटा होता चला गया। धरती अब पहले जैसे नहीं रही, अब सब कुछ बदल चुका था। आज के इंसान को पता भी नहीं था कि ड्वार्फ्स भी होते हैं। ऊपर सब कुछ वैसा का वैसा था, बस धरती के फलों की याद में जो नए घर बनाए वो बिल्कुल वैसे बनाए, जो कोई आम जैसा दिखता तो कोई सेब जैसा। धरती के फलों को ऊपर अभी भी याद किया जाता था। एक बार वहाँ के सबसे शैतान बच्चों ने सोचा कि उन्हें एक बार तो फल खाना ही है, और उन्होंने धरती पे जाने का प्लान बनाया। उन्होंने आमों के बारे में बहुत सुना था, बस सीधे आम के बगीचे में आ पहुंचे। उन्होंने बहुत सारे आम तोड़ लिए, पूरा बादल आमों से भर चुका था। यहाँ नीचे वे आम तोड़ रहे थे और वहाँ ऊपर सब उनको ढूंढ रहे थे कि अचानक से सारे बच्चे कहाँ गायब हो गए। जब उन्हें पता चला कि बच्चे नीचे फल लेने गए हैं तो वह सब घबरा गए। वह सब बहुत परेशान थे कि अगर उन्हें किसी ने देख लिया तो क्या होगा। बच्चों को वापस सुरक्षित लाने के लिए वो भी धरती के लिए निकल पड़े। वह जल्दी से नीचे आए और बच्चों को छुपा लिया। और पता है वे अपने साथ क्या लेके आए? वह अपने साथ बादल लेके आए, जो कि धरती के जानवरों की तरह बदले हुए थे। कोई हाथी जैसा दिखता तो कोई मछली जैसा। लोग उन बादलों को देखने इकट्ठा होने लगे और धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी, और चुपके से वो बच्चों को ले गए। दीदी देखो, बादलों में कोई है। मम्मा मम्मा देखो, वो फिर आ गए। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।